दोस्तों आज की कहानी है बुआ सासू माँ आप मुझे घर गृहस्थी का पाठ मत पढ़ाओ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कुसुम अभी अभी तो शादी होकर घर आई और ससुराल में दादी सास बुआ सास जैसी सभी बुजुर्ग महिलाएं पाठ पढ़ाने लगी कि अच्छे व सुचारू रूप से घर गृहस्थी कैसे चलाई जानी चाहिए। किसी ने कहा अरे बहुरिया अपने पति देव का अच्छे से ख्याल रखना, तो किसी ने कहा सास ससुर की सेवा करना। इसी तरह से सभी बारी बारी से कुसुम को एक एक बात की समझाइश देती रही। कुसुम नई नवेली दुल्हन थी सो उसने किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। आखिर मायके में माँ ने भी हिदायत जो दी थी कि किसी की बात न काटना। कुसुम आगे बढ़ना चाहती थी पढ़ना चाहती थी अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुसुम के दादू की इच्छा थी कि वे संचार से विदा लेने से पहले अपनी नातिन कुसुम का विवाह देख ले। कुसुम के पापा ने जल्दी ही कुसुम का ब्याह रवि के साथ कर दिया और कुसुम की सारी इच्छाएं दरी की दरी रह गई। सभी को कुसुम से अपेक्षाएं रहने लगी कि कुसुम ससुराल में शिकायत का मौका न दे और यहाँ ससुराल में भी तरह तरह की हिदायत मिली। कुसुम सभी की इच्छाओं की पूर्ति में लग गई। समय से साय समय से नाश्ता समय से घर का काम बस इतनी ही दिनचर्या रह गई थी कुसुम की। वह अपनी किताबों से भी दूर हो चुकी थी। तभी एक दिन कुसुम को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अनुपमा की नौकरी लग गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि वह अच्छे से सेटल होने के बाद ही घर परिवार परिवार की जिम्मेदारी लेगी। आखिर उसने अनुपमा को फोन करके पूछ ही लिया कि अनुपमा हम दोनों ने आगे बढ़ने के सपने एक साथ देखे थे पर देखो ना मैं तो कुछ न कर सकी और तुम आगे बढ़ गई। तुम पर किसी ने दबाव नहीं डाला शादी का। तब अनुमम्मा ने कहा कुसुम अब भी वक्त है तुम आगे बढ़ सकती हो बस जरूरत है सब की जो तुम से अपेक्षाएं हैं उनसे बाहर निकलने की। तुम अपने और अपनी किताबों के लिए वक्त निकालो। तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले खुद को खुद से आजाद करना होगा। हाँ मुझे भी घर पर पहले कहा गया था कि क्या करोगी आगे पढ़ लिख कर आखिर मैं घर ही संभालना है पर मैं अपनी बात पर अडिग रही कि पहले मुझे अपनी
मंजिल हासिल करना है, आखिर में मैं सफल हो गई। अब सभी को लगता है कि मैंने सही फैसला किया था। कुसुम अनुपमा से बात करते करते कह देती है कि अब मैं कहाँ फिर से सपने देख पाऊंगी, देखना घर में दादी सास, सासुमा, ससुर जी और रवि सभी हैं, सबका ख्याल मुझे ही रखना है। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, समय समय पर सभी को कुछ न कुछ जरूरत पड़ ही जाती है। घर के कितने काम होते हैं ना, ना बाबा अब शायद कुछ नहीं हो सकता, कुसुम ने उदास मन से कहा। इधर से अनुपमा ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। इधर कुसुम व अनुपमा के बीच की सारी बातों को सासुमा जानने की कोशिश करती है। तब कुसुम ने सारी बात सासुमा से कह ही डाली कि मायके में सबको मुझसे अपेक्षाएं थी कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, मैं बन गई। या मेरे आते ही सब ने मुझे बारी बारी से हिदायत दी, मैंने वैसा ही किया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या सहती हूँ। इतना कह कर कुसुम की आंखें नम होने लगती हैं और बात को टालते हुए कहती हैं, अब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी माँ, क्योंकि घर में सभी को कुसुम की जरूरत है। कुसुम की बात सुनकर सासू माँ ने कहा, हमारी भी अपनी इच्छाएं हैं, पर यह समझता कौन है, कभी कभी हमें अपनी जिद ही जिताती है। शायद हम अपने आप को खुद ही आजाद नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपने लिए वक्त निकाला और जरा सी सुख हो गई। परिवार को संभालने में तो कौन क्या कहेगा, इसी कारण हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाते और सभी की अपेक्षाएं हमसे बढ़ती चली जाती हैं। शायद उन अपेक्षाओं को हम ही बढ़ावा देते हैं, पर अब नहीं, तुम आगे पढ़ोगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी पहचान बनाओगी। मैं तो अपने लिए कुछ न कर सकी, पर तुम आगे जरूर बढ़ोगी। मैं हूँ घर में सबका ख्याल रखूंगी, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। सासू माँ की बातों ने कुसुम का हौसला बढ़ाया और कुसुम ने भी खुद को समझा कर अपने लक्ष्य पर निशान साधती रही। आखिरकार एक दिन कुसुम सफल हो ही जाती और वह कहती है, शुक्रिया सासुमा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगी, ये मेरा हौसला बढ़ाती है, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सही कहा आपने, हमारी भी अपनी इच्छाएं हैं, पर यह समझता कौन है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।